हेलो स्टूडेंट्स, आपका श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका होम साइंस वाला जो आपका सोशल रिसर्च है उस पार्ट में से हम देखेंगे कि थ्योरीज की जो है कितने प्रकार होते हैं और इसके साथ ही इसके फंक्शंस और इम्पोर्टेंस की भी बात हम इसी क्लास के माध्यम से करेंगे। क्योंकि नेक्स्ट जो हमने पहले जो वीडियो बनाई थी हमने तो उसमें देखा था कि थ्योरी क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस क्या थी और इसके साथ साथ हमने देखा था कि इसकी विशेषताएँ क्या थी। अब इस वीडियो में हम देखेंगे दो चीज़ों को मोस्टली कि एक टाइप्स की बात करेंगे पहले कि जो थ्योरीज होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, उसके साथ इसके फंक्शन और इम्पोर्टेंस की भी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स की। तो जो पर्सी एंड कोहेन थे उन्होंने जो है चार प्रकार की थ्योरीज का जो है उन्होंने दिया हुआ है। तो जिनमें से पहला है एनालिटिक थ्योरी, दूसरा है नॉर्मेटिव थ्योरी एंड तीसरा है साइंटिफिक थ्योरी एंड फोर्थ है जो हमारा वो है मेटा फिजिकल थ्योरी। तो इस तरीके से उन्होंने चार प्रकार की थ्योरीज हमें बताई। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारी एनालिटिक थ्योरी है या जो विश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो क्या होता है। तो देखें हम कि जो हमारी वास्तविक दुनिया के संबंध में शायद ही कुछ कहते हैं लेकिन कुछ ऐसे स्वयं सिद्ध कथन से बनते हैं जो कि तर्कशास्त्र और गणित शास्त्र के सिद्धांत होते हैं। वो किस पर आधारित होते हैं? वो हमारे विश्लेषणात्मक पर जो है सिद्धांत या उसकी थ्योरी पर जो है आधारित होते हैं। दूसरा है हमारा जैसे कि देखा जाए कि आदर्शात्मक सिद्धांत, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो सिद्धांत होता है वो आदर्श अवस्थाओं के एक समूह के विस्तार करता है जिसकी हम आकांक्षा करते हैं। इस प्रकार का जो सिद्धांत होता है वो नीति शास्त्र और सौंदर्य बोध सिद्धांत जैसे गैर आदर्शात्मक प्रकृति के सिद्धांतों से या उसकी थ्योरी से जुड़ा हुआ होता है। अब ये जो थ्योरीज हैं वो कलात्मक सिद्धांतों और उसके साथ ही वैचारिकियों जो होता है आदि के रूप में जो है हमारे सामने आता है। इसके बाद जो है हमारी थर्ड है वो है वैज्ञानिक या साइंटिफिक थ्योरीज। तो आदर्श रूप में एक जो सर्वव्यापी और अनुभाविक जो कथन होता है जो कि घटना के दो या अधिक प्रकारों के बीच एक कारणात्मक संबंध को बतलाता है। तो ऐसे कुछ आधारभूत विशेषताएं इस सिद्धांत की अगर देखते हैं हम तो सामने आती हैं कि ये जो है सिद्धांत वो सर्वव्यापी होने के साथ साथ जो है कुछ घटनाएं के प्रकार सदैव जो घटित होते हैं उनके ऊपर जो है आश्रित होती है। दूसरा है वैज्ञानिक सिद्धांत निश्चय ही अनुभाविक या प्रयोग सिद्ध होते हैं। तीसरा है कि एक वैज्ञानिक सिद्धांत को कारणात्मक भी होना चाहिए, इसका अर्थ होता है या इसका जो मीनिंग है वो है कि जो हमारा साइंटिफिक थ्योरी है वो यह बतलाना चाहिए कि ये जो घटना हुई है वो किन कारणों के कारण घटित हुई है और कुछ अवस्थाएं प्राप्त हैं या कौन सी अवस्थाएं जो आवश्यक हैं उसके अनुसार जो है ये जो सिद्धांत या जो थ्योरी है वो हमारे सामने आती है। इसके बाद जो हमारी मेटाफिजिकल थ्योरी है या जिसे हम तात्विक सिद्धांत कहते हैं, तो ये जो सिद्धांत होता है ये परीक्षण योग्य नहीं होता है बल्कि इसका जो तार्किक मूल्यांकन है जो है हम कर सकते हैं और कुछ मेटाफिजिकल जो थ्योरीज होती हैं उनका साइंस के साथ मतलब भी नहीं होता जबकि अन्य कुछ जो है स्पष्ट रूप से हमारे साइंस के ही जो है ये अंगों के रूप में सामने आता है। जैसे कि सिद्धांत जो है इसमें जो सुझावात्मक वाली जो भूमिका होती है वो इसमें अदा करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं फंक्शन और इम्पोर्टेंस की। तो सबसे पहला देखा जाए तो सिद्धांत जो होते हैं वो जो है हमारे तथ्यों की जो है भविष्यवाणी करते हैं। तो अंतर्दृष्टि जो संबंधी ज्ञान जो है ऐतिहासिक विश्लेषण या सामाजिक समानताओं के अवलोकन पर जो है आधारित एक सिद्धांत जो व्यवस्था जो है भविष्यवाणी के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा एक आधार या उसका बेस तैयार करता है और प्रवृत्ति जो कथन शोध होता है तो जो वो रिसर्च की उपयोगिता और उसके महत्व को जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। दूसरा है सिद्धांत जो है संभावित जो समस्याओं की ओर इंगित करते हैं और नए अन्वेषणात्मक अध्ययन जो है इसमें सुझाते हैं जिसमें सबसे अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो फ्रांसिस जो अब्राहम थे उन्होंने इस सिद्धांत की विशेषता को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया है या उनकी थ्योरी से इसको बल मिला है। तीसरा है हमारा जो सिद्धांत शोध का मार्गदर्शन करता है और अध्ययन किए जाने वाले तथ्यों के क्षेत्र को जो है ये सीमित कर देता है।
फोर्थ पॉइंट देखें तो सिद्धांत जो है अवधारणाओं के विश्लेषण में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके साथ ही सिद्धांत जो है सत्य को प्रमाणित करता है और सिद्धांत जो है अन्वेषण या जांच के यंत्र के रूप में काम करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये इसकी जो हमारी इसका महत्व जो है वही है और कार्य जो है ये दोनों ही इसमें आ जाते हैं। तो इसमें सबसे मुख्य रूप से जो है इसमें जो दिया गया है कि सिद्धांत अन्वेषण या जांच के यंत्र के रूप में काम करते हैं। तो जो शोध प्रारूप का निर्माण करना और उसे प्रयोग करना, साथ ही तथ्यों के मापन और परिमाण निर्धारित करने में जो हेल्प करता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा वैध व प्रमाणिक शोध का निर्माण करते हैं तथा ज्ञान कोश में जो है ये वृद्धि भी करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है इसमें टाइप्स, तो टाइप्स आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो है पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन होता है थ्योरीज में, वो आपका टाइप्स ही पूछा जाता है कि थ्योरीज कितने टाइप्स की होती हैं। तब आप उसमें बता सकते हैं कि विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, वैज्ञानिक और उसके साथ साथ जो है तात्विक सिद्धांतों को जो है आपको बताना है। और उसके अलावा जब आपसे महत्व पूछा जाए तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो है इस क्लास के माध्यम से आज हमने तो सिद्धांत के प्रकार और उसके महत्व के बारे में जाना। नेक्स्ट हम देखेंगे कि तथ्य और सिद्धांत के बीच में संबंध क्या होता है। इसके अलावा अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट जो आपका बचा हुआ है उसको भी मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी। तो आपका फैक्ट और थ्योरीज दोनों चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके अलावा आपका सिर्फ आपको फैक्ट और थ्योरीज में क्या संबंध है उसको देखना है और उसके साथ ही साथ कॉन्सेप्ट जो है उसको भी हम क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।